तो यार सुबह के बज रहे 6 और आंखों में नींद से ज्यादा वीडियो बनाने का जुनून है, क्योंकि कल वीकेंड के वार में बातें ही ऐसी हो गई यार। तो यार प्रोग्राम सारा खत्म होने के बाद जिया शंकर और एलविश यादव भाई बेडरूम एरिया में बैठे हुए थे, तभी एलविश यादव ने जिया से कहा कि आज मुझे पहली बार इस घर के अंदर बुरा लगा है। फिर जिया ने कहा कि तुम्हें अभिषेक की बात से बुरा लग रहा है, तो एलविश ने कहा कि मुझे उस बात से बुरा नहीं लग रहा, बल्कि उस बात से बुरा लग रहा है कि उसने अपनी मम्मी से ये कहा कि कुछ भी हो जाए अगर इस शो को वाइल्ड कार्ड वाला जीतता है तो मैं वाइल्ड कार्ड वाले को कभी विनर कंसिडर नहीं कर सकता। फिर एलविश यादव ने कहा कि मैंने इसे बाहर भी सपोर्ट करा और मैंने इसे घर के अंदर भी सपोर्ट करा, मेरे लिए हमेशा यही विनर रहेगा क्योंकि इसने घर में जो स्टार्टिंग से झेला है, घर के एनवायरनमेंट को समझाए और इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एलविश ने कहा कि बाय चांस अगर मैं विनर बन भी गया तो ये मुझे कभी विनर कंसिडर करेगा नहीं, क्योंकि इसकी थिंकिंग वैसी हो गई है। अगर मैं उससे जबरदस्ती भी कहूँ ना कि हाँ मैं विनर बन चुका हूँ, मुझे विनर मान, तो भी मुझे वो विनर नहीं मानेगा, क्योंकि उसका दिल कभी गवाही नहीं देगा कि एक वाइल्ड कार्ड वाला बिग बॉस का विनर बन गया। फिर एलविश यादव ने जिया से कहा कि मेरी इस घर में लड़ाइयां भी हुई, मैंने इस घर में साबुन का पानी भी पिया, मैंने इस घर में सलमान भाई की डांट भी सुनी, लेकिन इतना बुरा कभी नहीं लगा। फिर जिया ने कहा कि हमेशा बुरा अपनों का ही लगता है। फिर एलविश यादव ने कहा कि तुम हाँ सही कह रही हो, लेकिन भाईचारा अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेगा, भाईचारा ऑन टॉप।